अनुपमा के बाद अब वनराज शाह को बड़ा झटका देंगे ये चोर तोशु और अय्याश पाखी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। वनराज शाह जो अपने बच्चों के लिए मरे जा रहा है, अपने तोशु के लिए, अपनी पाखी के लिए, अनुपमा भी ऐसा ही कुछ कर रही है। मगर अनुपमा का रास्ता सही है और वनराज शाह का रास्ता गलत है। वनराज शाह अपने बच्चों को खुद बिगाड़ रहा है और उसके बच्चे जितने बिगड़े हुए हैं उसका खामियाजा अनुपमा ने तो इतनी बार भुगता है कि क्या ही कहना। अब वनराज शाह की बारी है। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो वनराज शाह आज बापूजी को देख के परेशान हो गया, होगा ही, क्योंकि वनराज शाह बेटे के तौर पे तो अच्छी भूमिका निभाता आ ही रहा है। उसने कभी अपने पिता को जो है डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है, ऊंची आवाज में बात नहीं की है। आज जिस तरह वनराज शाह अपने पिता के बारे में बता रहा था तोशु को, तोशु उस बात को पूरी तरह से सुन भी नहीं रहा था। तोशु के हाव भाव से ये लग रहा था कि ये क्या स्टुपिडिटी है, ये कैसी बातें हैं, क्योंकि तोशु के अंदर में अपने पेरेंट्स के प्रति कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं। इसलिए 5 साल तक अपने पिता को उसने फोन तक नहीं किया, जिसकी कि कोई गलती भी नहीं थी अकॉर्डिंग टू तोशु। तो अब जो सीन हम देखते हैं दोस्तों, एक तरफ तोशु वनराज शाह को पुलिस स्टेशन जाने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि तोशु जानता है कि खतरा कितना बड़ा है और अपने पिता को उसके हिसाब से उस खतरे को हैंडल करने नहीं दे रहा और कह रहा है कि पैसे देंगे, लोन चुका देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इस बात में बड़ा झोल लगता है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ पैसे चुकाने की ही बात कर रहा है तोशु। बार बार लगातार उन गुंडों को सजा दिलवाने की बात नहीं कर रहा, मतलब कुछ और भी कांड है जो तोशु का आने वाले समय में सामने आएगा, जिसका वनराज शाह को दूर दूर तक पता ही नहीं है। वनराज शाह सीधी गेम खेलता है जो वो कर रहा है कि अंश चाहिए तो अंश चाहिए, तोशु को अगर मुझे बचाना है तो बचाना है, तोशु सही है गलत है इस पे नहीं पड़ता। अब ये बात तो हो ही रही है, साथ में पाखी पे जब नजर पड़ती है वनराज शाह की, तो पाखी अमेरिका जैसे शहर में एक दो दिन में ही ऐसे दोस्तों को बुला लेती है, जो अभी हम लड़का देख रहे हैं आयुष है उसका नाम शायद, ताकि उसके साथ वो बिजनेस आगे बढ़ा पाए। मगर उसकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, इसका पाखी को कुछ लेना देना नहीं है। अब जिस इंटीमेसी से वो पाखी के साथ बातचीत कर रहा था कोई भी पिता नहीं देख पाएगा, और पाखी जैसी लड़की जिसने पहले भी ऐसी हजारों गलतियां की हैं, स्कूल से लेके कॉलेज तक और कॉलेज से लेके अधिक से शादी करने तक, तो ये सब कुछ वनराज शाह देख रहा है। दोनों ही बच्चे एक नंबर के बिगड़े हुए बच्चे हैं। अब ये दोनों बिगड़े बच्चे, एक तो चोर साबित हो ही गया है, चोरी की है वजह कुछ भी हो, और साथ में जो भी कुछ तोशु ने किया है, अय्याशी, जो भी उसने अपनी पत्नी के साथ जो गड़बड़ की है, वो सब चीज़ें तोशु के साथ है, कोई क्वालिटी नज़र नहीं आती है। अब पाखी भी, और अमेरिका जैसे शहर में ये दोनों बच्चे, वनराज शाह का नाक इतनी बुरी तरह से काटेंगे कि वनराज शाह रोता रोता फिर अनुपमा के पास ही जाएगा कि तुम सही थी मैं गलत था, हमारे बच्चे, वाकई में तब ये बात आएगी, हमारे बच्चे मेरी गलती की वजह से आज इस स्टेज पे पहुंच गए हैं, अगर मैंने बचपन में इनको डांटा होता, तुम्हें मना नहीं किया होता तो आज ये हाल नहीं होता। तो दोस्तों ये सब कहता हुआ वनराज शाह आने वाले समय में हमें नजर आ सकता है, क्योंकि हालात इसी तरफ जा रहे हैं। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।